हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं एमबीपीडी शो। तो सैन दोस्तों, आपके लिए भी गुड न्यूज़ यही है, क्योंकि दोस्तों आपको यूट्यूब पर पहली बार इस तरह से वीडियो देखने को मिलेगा। ये वाली डिश है दोस्तों 108 डिग्री, यानी कि टेलकॉम 108 डिग्री पर अभी डिश सेट से दो फेट एंटेना सी बैंड में, क्योंकि दोस्तों दो फेट एंटेना पर भी आप रिसीव करके देख सकते हो। RTS पोर्ट और 2-3 साथ में रिसीव होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका सिग्नल दिखा देता हूँ, ये आप सिग्नल भी देख सकते हो। और ये रिस टिटोंग टीपी, अब ये वाली डिश है दोस्तों टेलकॉम 108 डिग्री पर अभी डिश सेट है दो फेट एंटेना पर। और इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको दो फेट एंटेना पर आपको रिसीव करना है सी बैंड LMB लगा के कोई भी सेटेलाइट, तो आपको कलरिंग साथ में होना ज़रूरी है, तभी इसका सिग्नल आप रिसीव करके देख सकते हो दो फेट एंटेना पर। बिना कलरिंग के इसका सिग्नल रिसीव होता है। ज़्यादा चैनल आपको देखना चाहते हो तो इसकी कलरिंग आपको लगाना पड़ेगा, तभी इसका ज़्यादा सिग्नल आप रिसीव करके देख सकते हो दो फेट एंटेना पर। अब ये वाली डिश है जो तो टेलकॉम 108 डिग्री पर भी डिश सेट है, और इसमें RTS पोर्ट चैनल वाली बिल्कुल फिट और आपको देखने को मिलेगा, और 2-3 चैनल दोस्तों साथ में रिसीव होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने दोस्तों आपको इसका सिग्नल आपको दिखा दिया, और आप सिग्नल भी देख सकते हो। ये रिस की टोंग टिप आप देख सकते हो, ये सबसे आसान टिप है टेलकॉम 108 डिग्री, यानी कि RTS पोर्ट आपको बिल्कुल फिट और आपको देखने को मिल जाएगा। दो फेट एंटेना पर मैं आपको रिसीव करके दिखाता हूँ। अब ये वाली डिश से दोस्तों दो फेट एंटेना है, और टेलकॉम 108 डिग्री पर भी डिश सेट है दो फेट एंटेना, और इसकी LMB पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। कौन सी टीपी पहले आपको सेट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अब ये वाली है टेलकॉम 108 डिग्री पर अभी डिश सेट है, सामने वाली है ये वीडियो कौन है इस पर अभी सेट है, और ये वाली मैंने सेट की है टेलकॉम 108 डिग्री पर। LMB की पोजीशन की बात करते मैं आपको डिश की सामने से दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैंने हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये वाले कलरिंग आपके पास होना ज़रूरी है, तभी इसका सिग्नल आप रिसीव करके देख सकते हो। दो फेट एंटेना पर आपको रिसीव करना है सी बैंड सेटेलाइट कोई भी, तो आपको पास कलरिंग होना चाहिए, तभी इसका सिग्नल आप रिसीव करके देख सकते हो। और ये सामने टीवी में अभी चल रहा है, ये आप देख सकते हो RTS पोर्ट, और केबल वगैरह भी दोस्तों मैं आपको चेक करा रहा हूँ। और LMB की पोजीशन बात करते हैं, LMB पोजीशन सेम रहेगी जैसे ABS में रहती, इस तरह से आपको इसकी LMB पोजीशन रहेगी। LMB पोजीशन सेम रहेगी जैसे ABS में रहती, इस तरह से आपको इसकी LMB पोजीशन रखना है, और आपको दो फेट एंटेना पर आप रिसीव करके देख सकते हो। लेकिन आपके पास ये वाली LMB और ये वाली कलरिंग आपके पास होना ज़रूरी है, तभी इसका सिग्नल आप दो फेट एंटेना पर आप रिसीव करके देख सकते हो। और टेलकॉम 108 डिग्री पर दो फेट एंटेना पर मैंने रिसीव किया है। पिछले दोस्तों मैंने हफ्ते दोस्तों मैंने आपको दिखाया था 2 दिन पहले, और 4 फिट एंटेना पर रिसीव करके, तभी दोस्तों भी इसका सिग्नल रिसीव हो रहा था 4 फिट प्राइम फोकस डिश में। लेकिन दोस्तों मैं आपको 2 फिट एंटेना पर इसका सिग्नल मैं आपको रिसीव करके दिखाता हूँ। और डिश की पोजीशन ये आप देख सकते हो, टेलकॉम 108 डिग्री पर अभी डिश सेट है, और इसमें RTS पोर्ट आपको बिल्कुल फिट आपको देखने को मिल जाएगा, और 1-2-3 चैनल साथ में रिसीव होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और सिग्नल भी आप देख सकते हो, सिग्नल कितना रिसीव हो रहा है ये आप देख सकते हो, थोड़ा धूप से वजह से 86 मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है MPG 4 बॉक्स में। ये सबसे आसान टिप है टेलकॉम 108 डिग्री की, और 86 मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है MPG 4 बॉक्स में। और मैं आपको RTS पोर्ट चला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो RTS पोर्ट, और 2-3 चैनल दोस्तों साथ में रिसीव हो जाती है, वो भी बिल्कुल आपको फ्री टूर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे भी एक ही टीपी पर आपको दो तीन टीपी दोस्तों रिसीव होती है, लेकिन 1-2 टीपी पर दोस्तों आपको 2-3 चैनल दोस्तों साथ में रिसीव हो जाती है, वो आपको बिल्कुल फ्री टूर आपको देखने को मिल जाएगा। ये RTS पोर्ट ये आप देख सकते हो, यहाँ दोस्तों आप लोगो भी देख सकते हो, और RTS पोर्ट बिल्कुल फ्री टूर चल रहा है, और सिग्नल वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये आप सिग्नल भी देख सकते हो, और RTS पोर्ट आपको बिल्कुल फ्री टूर आपको देखने को मिल जाएगा। ये टेलकॉम 108 डिग्री पर आप बिल्कुल फ्री टूर आप देख सकते हो, लेकिन आपके पास कलरिंग और ये वाली LMB 12K वाली LMB आपके पास होना ज़रूरी है, तभी दोस्तों आप दो फेट एंटेना पर आप रिसीव करके देख सकते हो। और RTS पोर्ट बिल्कुल फ्री टूर चल रहा है दो फेट एंटेना पर। और मैं आपको पहले थोड़ी सी डिश सेटिंग आपको दिखा देता हूँ, ये आप डिश की पोजीशन देख सकते हो, और केबल वगैरह भी आप चेक कर सकते हो।
और LMB पोजीशन आपको मैंने आपको बता दी डिस्क के सामने से कि LMB पोजीशन आपको सेम रखना है, जैसे ABS में रहती इस तरह से आपको इसकी LMB पोजीशन रहेगी। और केबल वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। और अभी दोस्तों सेटर बॉक्स में भी कनेक्ट है और ये वाली डिस है दोस्तों टेलकॉम 108 डिग्री पर अभी डिस सेट है और LMB पोजीशन रहेगी ABS तरफ, जैसे ABS में रहती इस तरह से आपको इसकी LMB पोजीशन रहेगी सेम। सामने वाली डिश है दोस्तों DD फिट डिस पर डिस सेट है और ये वाली मैंने सेट की है टेलकॉम 108 डिग्री पर और बिल्कुल फ्री टूर आपको देखने को मिल जाएगा RTS पोर्ट। और यही थी आज की डिस सेटिंग और यही थी आज की अपडेट। अपडेट आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।